जी प्यारे बच्चों, देखो कल हमने लास्ट क्लास में जो स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे थे तो वो इस टाइप का था कि जब मेरे पास 1/ द्विघात समीकरण होती है तो उसका समाकलन हम कैसे करते थे। हम पहले उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में चेंज करते थे, तब हम उनमें से कोई सा भी ये फॉर्मूला यूज करते थे जो बदल के आता था द्विघात समीकरण का रूप, या तो वो ऐसे बदलता था, या वो इसमें आता था, या वो इसमें आता था। हम फिर इनमें से कोई सा भी एक रिजल्ट यूज कर लेते थे। लेकिन जो आज का मेथड है, जो आज का टाइप टू है, उसमें जो द्विघात समीकरण की बटे है उसके अंदर रूट आ जाएगा। उसने क्या कहा, रूट। और मैंने आपको लास्ट टाइम जो रूट के सब जो रिजल्ट के फॉर्मूलास तो मैंने लिखे थे, आपको याद होगा। अगर देखो आज देख लो जो रिजल्ट के रूट वाले तीन सब मैंने आपको लिखे थे, तो मैं दोबारा कॉपी कर देता हूं। 1/√ आपने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो आएगा रूट, वो आपने कहा था लॉग में आता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस पूरा फंक्शन नीचे वाला, ठीक है, प्लस का सी आया आपके पास। और जब ये ऐसा आया अगला रूट 1/√ में जब प्लस आ गया बेटा, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस पूरा फंक्शन जो था वैसा ही आप लिखते हो, ठीक है। तो देखो रूट के लिए अलग रूल है, बिना रूट के देखो ये अलग रूल थे बेटा। आप एक बार देख लो जो रूट से अलग है देखो उनके लिए अलग रूट है, और जो रूट में है उनके लिए अलग रूल आ रहे हैं मेरे पास। एक और था छड़ा सा छड़ा फॉर्मूला, 1/√ में जब नंबर शुरू में आ जाएगा तो उसको आपने लिखा था सीधा साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस का सी। लेकिन 1/a भी आएगा, वो आप देख लो इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा था 1/x² प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस वाले में ये अलग चेंज हो गया था, माइनस वालों में दोनों में लॉग आ रहा है। ऐसे यहां पे तीसरा सवाल है जो मेरे पास लिखा हुआ है, इसको आप एक नजर देख लो। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स सिर्फ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यानी के देखो ये अलग है तो ये वाला अलग आ गया। तो रूट के लिए तीन सवाल लेंगे, तीन रूल आ चुके हैं, बिना रूट के तीन रूल आपके पास आ रहे थे। अब मैं इसको कैसे बदलूं, तुम बोले सर हमें पता पहले से, ये भी हमारे पास पहले जो द्विघात है उसका एक ही तरीका है, द्विघात रूट में आ जाए या बिना रूट के आएगा, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाकर। कैसे, जो भी द्विघात है पहले इसको आप अलग से नोट कर लो। तो पहले मैंने द्विघात को अलग लिखा, तो एकदम इसको पूर्ण वर्ग में बदल दो। मैंने कहा था कि अगर कोई x का गुणांक 1 से अलग है, 1 से अलग आ रहा 2, 3, 4 या माइनस का 1 माइनस का 3, पहले आप उसको बाहर कॉमन निकालो। मैंने कहा a बाहर निकला, फिर आपने कहा था कि जो बचेगा उसको आप लिख लो बेटा। लिखने के बाद आपने क्या लिखा था कि अब यहां से करेगा पूर्ण वर्ग में, कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने पर, कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा था, इसका सिंगल पावर यानी कि पावर उसका एक कर लो, जो निशान है ऐसा ही लिखो, फिर एक्स वाले को हाफ कर लो यानी कि ए में 200 गुणा कर दी उसका स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ इस क्वांटिटी का जो भी ये मान है इसका वर्ग कर लो आप। देखो जी ये आ गया, फिर जो लास्ट का कॉन्स्टेंट है उसको ऐसे ही लिख दो। ये था पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड। अब अगर मैं कोई सवाल दूंगा तो आप उसको कैसे बदलोगे, तो लिख लो कि जब कोई रूट में कोई सवाल आ जाए समाकलन के लिए तो उसका तरीका देखो कैसे करेंगे आप। मैं लिखता हूं फिर आप मेरी हेल्प करो, यहां पर मैं देख लेता हूं आपकी एक एक्सरसाइज का सवाल निकालता हूं मैं जो मुझे नजर आ रहा है। एक्सरसाइज 7.4 है, देखो मैं अब इनको रूट को दोबारा से मैं मिटा देता हूं क्योंकि सवाल कम जगह पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑडियो का बस देखो इस वीडियो का यही फायदा होता है, अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो बार बार, बस फिजिकल में और ऑनलाइन लेक्चर में यही फर्क होता है। फिजिकल में तो टीचर सामने प्रेजेंट होता है, ऑनलाइन में होता है लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता आपके अकॉर्डिंग, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप बार बार अपनी ऑडियो को
24 उसका मैं सवाल निकाल लेता हूं आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर मैं 11 देख लेता हूं, 11 और 10 एक जैसे कि मैं 11 को लिखता हूं। मैंने कहा आपके पास मुझे करना है समाकलन 1/9x² + 6x + 5, मुझे इसका करना है समाकलन और इस पर लगा देंगे आप रूट। ओके, ये 11 में रूट नहीं आ रहा बल्कि 10 में रूट है, तो मैं 10 वाले इक्वेशन में रूट आ रहा है बेटा। एक सेकंड, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, ये मेरी गलती है। x² + 2x + 2 इस पूरे पे रूट आ गया। तो मैंने क्या लिखा कि जब समाकलन में कोई द्विघात समीकरण नीचे आ जाए उस पर रूट आए या ना आए, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, पहले उस द्विघात को पूर्ण वर्ग में बदलो। तो मैंने क्या लिखा इसके बारे में, ये आया देखो, अब इसके गुणांक में a का मान 1 है तो कोई जरूरत ही नहीं है कॉमन निकालने की, ठीक है, क्योंकि बेचारा पहले से स्क्वायर में अकेला लिखा हुआ है तो डायरेक्ट चलेगा बिना कॉमन के। इसकी घात पहले एक लिखेंगे सेम साइन, जो भी x का गुणांक है उसको 2 से भाग दूंगा मैं, फिर उसका वर्ग कर दूंगा मैं। अब देखो ये जो क्वांटिटी है बेटा, ये इससे आराम से कैंसिल हो रहा है, तो 2 + 2, 2 + 2, यानी कि ये x + 1 है, सही है, तो हमें कौन है 1, तो मैं लिखूंगा -1/2, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर उसका नंबर बाकी जो बचा है प्लस का 2। तो आप बेटा आपने 2/2 क्यों नहीं लिखा बेटा, मैंने 1 लिख दिया ना, 2/2 = 1, तो 1 की पावर 2 जो आपने यहां से देखा सही है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है इसकी पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2। तो आपने कहा कि सर ये ऐसा बदल के आया, इसके बाद आपको कुछ ऐसा नजर आया, क्यों भाई ये तो ऐसे रहेगा, वर्ग हो चुका है -1 + 2, तो +1 बचा। अब देखो ये आ गया समथिंग स्क्वायर प्लस सम अदर नंबर, तो ये पूरा वर्ग में चेंज हो गया, ठीक, ये बन गया v² v की बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये x प्लस समथिंग हो रहा है, ठीक है, तो जब x में प्लस करूं या माइनस होके समथिंग स्क्वायर आ गया, तो इसको तुम बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में रखने के लिए कि ये v² चला गया, v², ठीक है। अब देखो तो मैंने कहा तुमसे जो सवाल था वो अब ऐसा नजर आएगा आप लोगों को कि सर देखो x + 1 पूरे का स्क्वायर + 1 और ये क्या हो गया dx, देख लो आप, तो ये हो गया √v² + a², ठीक है। तो आपने लिखा था कि सर हमारे पास ये फॉर्मूला है रूट में x² + a², तो आपने क्या लिखा था कि सर हमें याद है इसका रूट log मोड में x प्लस पूरा फंक्शन। तो बेटा अगर मैं आपसे तुलना करूंगा x के प्लस तो है x + 1 और a के प्लस पे है 1, क्योंकि देखो 1 है तो 1 की पावर 2 भी 1 ही होता है, आपको याद है बेटा 1 को आपने ऐसा लिख दिया है 1 की पावर 2, यानी कि a का मान कौन है यहां पे 1 और x का मान कौन है x + 1, तो बनेगा आपका ये वाला आंसर। इसका अगर मैं यहां से देखता हूं log of x कौन है x + 1 मतलब v² है ना ये, तो v + √ पूरा फंक्शन, तो v कौन है x + 1 + √ के अंदर पूरा फंक्शन जो भी आपने लिखा था v² + 1 + 10, ये आपका आंसर राइट है। आपका मन करे इसको आप ओपन कर सकते हो या यहीं पर छोड़ सकते हो, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो पहले आपका था पूर्ण वर्ग में बदलना, बदलने के बाद लगाओगे अपना रूट वाले में से कोई सा भी एक रूल जो भी उसको सेटिस्फाई करेगा तीनों में से, तो मुझे सेट करेगा v² + a² फॉर्मूला। तो बेटा मैंने वही यहां पे यूज करा, देख लो आप v² + a² यानी कि x² + a², तो यहां पे x की जगह पर है x + 1, a की जगह पर है ओनली 1, तो ये मैंने क्या लिखा है 1 की पावर 2 यानी कि 1, ये रहा आपके पास। तुम्हारा मन करे सब ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप यहां भी रोक सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो बाकी सवालों को हम कल से स्टार्ट कर देंगे इसके स्पेशल केस के बारे में, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।